नहीं, देखिए चूक पर बात करेंगे करने की का समय नहीं है, क्योंकि जब सभी लोगों ने अपनी अपने तरफ से सार्वजनिक रूप से अपनी बातें कह दी है, और जो कोर्ट में भी मामला चल रहा था उसका भी आपको फलाफल मालूम है, तो ऐसे में निलंबन मुक्त करना ही ठीक था और उस तहत हम लोगों ने निलंबन मुक्त कर दिया। नहीं नहीं, कोई FIR होता है इसका मतलब ये नहीं है, FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है। बिल्कुल फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो रिपोर्ट किया था उसके बारे में मीडिया को बताया था कि इन तीनों विधायकों के खिलाफ ये मामला है और निलंबन इनका किया जाता है। अब इन्होंने सार्वजनिक रूप से भी अपनी बातें कह दी है और पार्टी के सामने भी अपनी बातों को कह दिया है। पार्टी इन सारी बातों से संतुष्ट होने के बाद ये इस निर्णय पर आई है कि तीनों विधायक को निलंबन मुक्त किया। धन्यवाद। स्पीकर के पास जो मामला था उस पर हम लोग आगे पहल करेंगे। आदरणीय विधायक दल नेता उसके लिए अधिकृत है और वो उस पर आगे जा करके हम लोग नियम के अनुसार। गलती जब इन लोगों ने अपनी मान ली है तो इतने सवाल का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इन्होंने अपनी गलती मानी है और ये कहा है कि ठीक है जो घटना घटी है उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन इसकी तहकीकात जो हुई, चाहे वो उच्च जो न्यायालय की बात हो चाहे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बात हो, कोई बहुत बात सामने नहीं आई, तत्पश्चात हम लोगों ने निर्णय लिया है। अरगोड़ा थाना में जो केस जो है, विधायक ने किया था अनूप सिंह ने, उसका कोर्ट में मामला है, आज का मामला उस मामला से नहीं, कोर्ट में आज जो है निलंबन का मामला। सूचना दे दी गई कि निलंबन मुक्त किया जाता है। अब इसके बाद जो पहले बात थी उसको भी आप लोगों ने छापा था और पहले जो FIR हुआ था उसकी भी जानकारी दी गई थी आप लोगों को, निलंबन किया गया उसकी भी जानकारी दी गई, अब निलंबन मुक्त किया जाता है उसकी भी जानकारी आप लोगों को दे दी गई। नहीं नहीं बिल्कुल देखिए हम बता रहे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अनुशंसा और विधायक दल का अनुशंसा करके माननीय तीन विधायक जो निलंबित किया गया था उसके बारे में हम लोग लिखकर भेजे थे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसका स्वीकार किया और हमारे आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी का से बातचीत हुई और उन्हें निलंबन जो है उसको उठा लिया गया है। आज ही उस सिलसिले में आपके सामने हम लोग खड़े हैं। हमारे तीन विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नोमन कुशल पुंगाड़ी जी और राजेश कच्छप जी, तीनों विधायक का निलंबन जो था उसका वापस ले लिया गया है। अब जैसे हम लोग पहले भी हम लोग एक साथ रहे आज भी हैं, वो एक प्रक्रिया होता है, प्रक्रिया के तहत किया गया था, प्रक्रिया के तहत उसको फिर निलंबित से मुक्त किया गया। विधानसभा का जो आवेदन दिया गया है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और क्या धन्यवाद। चलो यार अब अध्यक्ष जी ने कह दिया, अध्यक्ष ने कह दिया इरफान जी, अभी अध्यक्ष जी बोल रहे थे कि आपने माफ़ी मांगी है, तो किस बात के लिए माफ़ी मांगी आपने? देखिए ये कुछ गलतफहमी था और कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, कोर्ट ने न्याय दिया, कोर्ट को लगा कि नहीं हम लोग बेगुनाह हैं तो पार्टी ने भी माना। और प्रथम दृष्टिया में जिस तरह से हमारे मीडिया वाले ने चलाया था न्यूज, किसी को भी शक हो सकता था, लेकिन अनुसंधान जब हुआ तो मामला चल के सामने आया और हम लोगों को न्याय मिला और पार्टी की तरफ से भी न्याय मिला। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ, सोनिया जी का आभार व्यक्त करता हूँ, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आभार व्यक्त करता हूँ, वेणी गोपाल जी का, पांडे जी का और आलमगीर साहब का। आपने पक्ष क्या रखा है? ये हो गया हाँ, हट रहे भाई, लोग आइए, अरे वो सब जो जिसका आना है उसको आने दो ना, आइए 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 इरफान भाई, आ रहे यार इधर।
घर आ जाओ छोड़ेंगे जाओ जाओगे चलो चाचा तुम रहा चलो हाँ ठीक जबरदस्ती आ गया चलिए चला ये इंटरनेशनल चलेगा आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं विधायक दल के अनुशंसा पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने डॉक्टर इरफान अंसारी नमन विक्सल कोंगारी एवं राजेश कच्छप जो निलंबित विधायक थे उनको निलंबन मुक्त करने पर सहमति प्रदान कर दी है। आदरणीय प्रभारी अविनाश पांडे जी के निर्देशानुसार तत्काल प्रभाव से इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त किया जाता है, इसकी सूचना आप लोगों को दी जा रही है। सर पार्टी से आप लोगों ने एफआईआर जनता पार्टी के पास नेताओं का भारी अभाव है। पहले आपने देखा किस तरह से विधायक दल नेता की नियुक्ति हुई थी, अवैध तरीके से दल बदलू को विधायक दल का नेता बना दिया गया था। तत्पश्चात भारतीय जनता पार्टी को यह महसूस हुआ कि ये उसके लायक नहीं है, तो उन्होंने वहां से उनको पदमुक्त करते हुए अध्यक्ष बनाने का काम किया। आज फिर से एक बार, क्योंकि कल इसकी घोषणा होनी थी और घोषणा नहीं होने से ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पार्टी शून्य की स्थिति में पहुंच गई है, अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है और उसमें कहीं उलझन में फंसी हुई है। आप लोग क्या मानते हैं, गुटबाजी है? नहीं नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई विवेक नहीं है, कोई निर्णय नहीं है। सीधी बात है, उन्माद फैलाओ, आपस में लोगों को तोड़ो और अपने विधायकों को जोड़ो, इस कार्यक्रम में लगी हुई है। हम समझते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पूरी तरह से समा